दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने कंगना रनौत को समन जारी किया है। जी हां, बॉलीवुड की बड़बोली एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर अपनी बयानबाजी के कारण परेशानियों से घिर गई हैं। यह मामला किसान आंदोलन के दौरान सिख समुदाय के लिए कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट का है। कंगना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सिख किसानों के लिए खालिस्तानी आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसे में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने कंगना को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस समिति की अध्यक्षता आप विधायक राघव चड्ढा कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कंगना रनौत को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी इंस्टाग्राम पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपने इस विवादास्पद पोस्ट में लिखा था, खालिस्तानी आतंकवादी आज भले सरकार की बाहें मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस एक महिला को मत भूलिएगा। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे मसल दिया था। चाहे उन्होंने इस देश को कितनी भी तकलीफ दी हो, उन्होंने अपनी जान की कीमत पर उनको मच्छरों की तरह कुचल दिया था, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के दशक बाद आज भी उसके नाम से कांपते हैं ये, इनको वैसा ही गुरु चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले की मुंबई में भी FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें कंगना के खिलाफ श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा समिति के सदस्य अमरजीत सिंह संधु ने भी FIR दर्ज करवाई है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, नफरत फैलाने, समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने की धाराओं में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समिति ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंगना रनौत ने जानबूझकर किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानी आंदोलन बताया, यह सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे AGL न्यूज के साथ। ऐसी और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।